types of graphs. There are two types of graphs. One frequency distribution and the other is time series graphs. Answer dekhna. Frequency distribution graphs. अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे चीजें ना इंटररिलेट होती रहेंगी. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एरे क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मोर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है. तो डायरेक्टली जंप नहीं मार पाएंगे तो हर चीज इंटर, और खासकर स्टैटिस्टिक्स में. तो ये तो एक ग्राफ बन रहा है. ये चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे तो आपको मीन मीडियन मोड में उनकी जहां जहां ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है बहुत ईजी हो जाएगी. आपके लगे कि तो हो रखा है कुछ नहीं करना. पॉइंट, आप एक प्रोसेस पढ़ रहे हो. जैसे आप जो अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है कि अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं आती आप क्लासिफिकेशन नहीं कर पाओगे, क्लासिफिकेशन नहीं आती आप समराइजिंग नहीं कर पाओगे. स्टैटिस्टिक्स भी तो एक प्रोसेस, हम तो प्रोसेस ही तो पढ़ रहे हैं. कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फिर आएगा एनालिसिस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो अगर आपको कलेक्शन तो एक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, बट अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता प्रेजेंटेशन में दिक्कत होगी, प्रेजेंटेशन नहीं आता एनालिसिस में दिक्कत हो सकती है. सो प्लीज बेस बनाए रखें. इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन आइटम और क्लास इंटरवल्स. द क्लास लिमिट्स और मिड वैल्यूज आर टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसीज अलोंग द वाई एक्सिस. द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ ग्राफ्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. तो इसमें से जो मजेदार पॉइंट होने वाले हैं, एक ओजाइव और एक हिस्टोग्राम, ये आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में भी काम आएंगे. एक एक करके बात करेंगे. लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ. सच ग्राफ्स आर यूज्ड टू डिपिक्ट डिस्क्रीट सीरीज. अब डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, कंटिन्यूस सीरीज क्या होता है, तभी बता रहा हूं ना कि वो चीजें कैसे यूज होंगे. तो डिस्क्रीट सीरीज आपको पहले बताया था कि जिसमें क्लासेस नहीं है बट जो जो रेपिटेशन है दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाई फ्रीक्वेंसीज. तो यार इतनी चीजें आपके अब टिप्स पे होनी चाहिए कि डिस्क्रीट सीरीज क्या है, कंटिन्यूस सीरीज क्या है, कंटिन्यूस में लेस देन सीरीज क्या है, मोर देन क्या है. प्लीज तभी फायदा ना एक एक चीज डिस्कस करने का. तो आपको दे रखा है वेट, 45 कितने बच्चों का था, 46 कितने बच्चों का था, तो ऐसे वेट है. प्रिपेयर अ लाइन फ्रीक्वेंसी. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और वेट्स. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी will be shown on the y-axis. 45 कितने बच्चों का था, 5 का. 46 कितने का था, 4 का था. ठीक है, 46 6 का, 47 9 का. तो बस आपको एक लाइन से हाईलाइट करना है. टॉप पे आप एक छोटा सा डॉट दिखा देंगे हाईलाइट करके कि क्या हुआ. ये हो गया आपका टाइटल, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ शोइंग वेट ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स, स्केल 1 सेंटीमीटर. अब एक्स एक्सिस का, अब ग्राफ डायग्रामेटिक में एक ही, वन डायमेंशनल थे ना तो एक ही स्केल देना होता है. यहाँ पे दो स्केल होंगे कि भाई साहब एक्स एक्सिस क्या कह रही है और वाई एक्सिस क्या कह रही है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे. डायग्रामेटिक में वन डायमेंशनल थे ना वो सारे के सारे, तो एक ही चीज का स्केल देना था, यहाँ पे दोनों का. लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ बहुत सिंपल सी चीज है, चल सकते हैं आगे. बट यूज कहाँ होगी, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट सीरीज, कैन नॉट बी यूज फॉर कंटिन्यूस सीरीज. कोई डाउट, चल सकते हैं आगे. यस सर. हिस्टोग्राम, इट इज अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. दोनों सेम चीजें बताना चाहते थे, बट डिस्क्रीट सीरीज में लाइन फ्रीक्वेंसी एडवाइस होती है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच क्लास इंटरवल्स आर प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड देयर फ्रीक्वेंसीज ऑन द y-axis, two-dimensional diagram. तो जहां क्लास इंटरवल्स हैं वहां पे क्या बनता है, हिस्टोग्राम. जहां क्लास इंटरवल्स नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज है, वहां क्या बनती है, लाइन फ्रीक्वेंसी सीरीज.
हिस्टोग्राम इज अ वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग कंटिन्यूअस सीरीज और क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस. अ हिस्टोग्राम इज नेवर ड्रॉन फॉर अ डिस्क्रीट वेरिएबल. तो डिस्क्रीट वेरिएबल के नहीं, जहां पे क्लास इंटरवल्स हैं सिर्फ और सिर्फ वहां पे बन सकता है हिस्टोग्राम. हाइट और लेंथ ऑफ ईच रेक्टेंगल शोज द फ्रीक्वेंसी. ये है हाइट, तो ये शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी. एंड द क्लास एंड ब्रेथ, ये जो है ना ये क्लास इंटरवल शो कर रहा है, ये क्लास इंटरवल शो कर रहा है. तो इसमें गैप नहीं आता क्योंकि कंटिन्यूस क्लासेस होती है ना. जैसे ये है एक हिस्टोग्राम, दूसरा हिस्टोग्राम, तीसरा हिस्टोग्राम. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में तो हम गैप्स दे देते थे, इक्वल गैप होना चाहिए, वहां कोई क्लासेस थोड़ी ना है. यहाँ तो क्लास है ना, अगर ये 0-10 है, 10-20 है, तो ये 20-30 होगा ना, बीच में गैप तो नहीं हो सकता. द टोटल एरिया कवर्ड बाय हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स द टोटल फ्रीक्वेंसीज. ईच रेक्टेंगल इज एडजेसेंट टू द अदर गिविंग अ कंटिन्यूअस पिक्चर. वो गैप नहीं होना चाहिए बीच में. हिस्टोग्राम्स कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ मोड. तो हिस्टोग्राम कहाँ यूज होता है? मोड कैलकुलेट करने में. मैंने बताया ना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आपको आगे के भी कुछ चीजें काम आ जाएंगी, यूज होंगी आगे जाके. द टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग केसेस. क्या हो सकता है? इक्वल क्लास इंटरवल्स, व्हेन अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आर गिवन, व्हेन मिड पॉइंट्स आर गिवन, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स. अब एक बात बताओ सच्ची सच्ची, आपको बता रखा है कि अगर मिड पॉइंट्स है तो मिड पॉइंट से आप कैसे क्लासेस निकाल सकते हैं? यस सर, यस सर. अगर इंक्लूसिव सीरीज है 10-19, 20-29, 30-39, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बता रखा है? यस सर. यस सर. निकालो डिवाइडेड बाय 2, प्लस 0.5, माइनस 0.5. तो क्या पुरानी चीजें यूज होंगी? यस सर. Yes, sir. फायदा क्या है उसका? फायदा ये है कि वो भी साथ साथ रिवाइज होता रहेगा, जहां जहां यूज होंगे तो वो चैप्टर भी तो रिवाइज हो रहा है. और नुकसान क्या है? वो नहीं आता तो ये भी नहीं कर पाओगे. यस और नो? कोई ऐसी yes, sir. जिसके सिर्फ फायदे ही होंगे. हर एक चीज के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. फायदे लेने हैं, नुकसानों से बचना है. व्हेन इक्वल क्लासेस आर गिवन तो थैंक यू लिख सकते हैं. हम डायरेक्टली बना सकते हैं हिस्टोग्राम को. 0-10, 10-20 मार्क्स दे रखे हैं. नीचे आएंगे मार्क्स, आपके क्लास इंटरवल्स, यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इसमें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत है? कुछ भी? कुछ तो बताओ. अरे 0-10 कितने बच्चे थे? 30. 10-20, 20-30 प्लीज. अगर अनइक्वल है, ध्यान से देखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अनइक्वल है तो पहले आपको उनको इक्वल करना पड़ेगा. इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, क्योंकि फिर विड्थ अलग अलग होगी ना, फिर तो आप नहीं एनालाइज कर सकते. इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसीज आर फर्स्ट एडजस्टेड बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द हिस्टोग्राम. स्टेप्स नीडेड टू एडजस्ट फ्रीक्वेंसीज, डिटरमिन विड्थ ऑफ द लोएस्ट क्लास इंटरवल. सबसे छोटा क्लास इंटरवल क्या है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0-10, 10-20, 20-30, 30-60, 60-80, 80-90. यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है. विड्थ इसे कहते हैं. तो लोएस्ट क्या था? 10 ही था. 5 तो नहीं है, तो ये हो गई लोएस्ट क्लास इंटरवल. डिटरमिन विड्थ ऑफ अदर क्लास इंटरवल्स एंड कैलकुलेट एडजस्टमेंट फैक्टर. एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होगा? क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल. अब जैसे यहाँ पे क्या था? 30. तो 30/10 एडजस्टमेंट फैक्टर क्या हो गया? 3. क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास इज 30, लोएस्ट क्लास इंटरवल इज 10, तो एडजस्टमेंट फैक्टर हो गया 3. एडजस्टमेंट फैक्टर ऑफ एनी क्लास, विड्थ ऑफ द क्लास, विड्थ ऑफ द लोएस्ट, तो विड्थ 30/10. द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस विल विद द लोएस्ट विड्थ आर नॉट चेंज्ड. 10 वाले को तो चेंज नहीं करना. एंड द अदर क्लासेस आर एडजस्टेड बाय डिवाइडिंग इट विद द एडजस्टमेंट फैक्टर. अब जैसे 30-60 18 है, तो 18/3 क्या हो जाएगा? 6.
यार प्लीज रिस्पॉन्ड, नाश्ता वास्ता बना रहे हो क्या या खा रहे हो? नो सर। हद हो गई। एडजस्टमेंट फैक्टर 3 आया, 30 to 60 18 था, 18 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ गया? 6। तो क्या करेंगे, तीनों क्लासेस में हम अज्यूम करेंगे कि 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 क्या हो जाएगा? 6, 6, 6। समझ आया क्या हुआ? Yes, sir. अब जैसे 60 to 80 है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है? 20/10 which is equal to 2, तो 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 60 to 70 2 हो जाएगा, 70 to 80 2 हो जाएगा। कोई भी डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। फिर आपके पास, आप स्टेज 1 पे पहुंच गए कि सारे इक्वल हो गए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 सारे 10-10 के हो जाएंगे। फिर आप नॉर्मल वाले पे पहुंच गए, इक्वल क्लास इंटरवल्स। क्लियर है? यस सर। सर ये थोड़ा इसमें एक बारी डाउट है, आप एक बारी वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो? एक सेकंड, करता हूं। नहीं नहीं, अब ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, ऑप्शन नहीं है। ध्यान से देखना, मैं इसको बना के दिखा देता हूं। एक सेकंड, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ध्यान से देख, जैसे हमें दे रखा था 0 to 10, कोई बताएगा क्या था? किसी के पास खुला है क्वेश्चन? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 60, 60 to, इतने में ही समझ आ जाएगा आपको। 0 to 10 कितना है? 5, 10, 4, 18, ओके, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे कितना है रिदिमा क्लास इंटरवल?
सर 10 10 का और एक बीच में, ये सर 10 का 10 अब यहाँ 30 यहाँ 20 है, 20 यस अनइक्वल है, तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होगा? एडजस्टमेंट फैक्टर विड्थ ऑफ द कंसर्न क्लास डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द लोएस्ट क्लास, तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या हो गया? बोलो रिद्धिमा, 30 टू 60 का एडजस्टमेंट फैक्टर क्या हो जाएगा? सर 30 अपॉन 10 3 यस सर, तो इसका मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको 3 में डिवाइड कर दो, तो ओके सर, अब 3 में डिवाइड कर दिया, तो 30 टू 60 को मैंने क्या कर दिया, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, तीनों में 666, 60 टू 84 था तो 60 टू 70, 70 टू 80, 22, कोई भी डाउट? नो सर। अब जब बनेगा आपका ग्राफ फ्रीक्वेंट हिस्टोग्राम तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे दिखा रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी और यहाँ है क्लास इंटरवल्स, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो अगर ये था 5, 10, 15, 20, तो जीरो टू टेन फाइव, टेन टू ट्वेंटी टेन, ट्वेंटी टू थर्टी फोर, थर्टी टू सिक्सटी 18 है, बट अब हमारा क्या हो गया 666, तो कैसे हो जाएगा, सिक्स Six. समझ आया? Yes, sir. So, 60 to 80 का adjustment factor अलग से निकलेगा? वो बिल्कुल अलग है ना, वो 20 है, वो आप 2 निकाल देंगे, वो मैंने कल बता चुका हूँ। तो yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. 20 by 10 is 2, 2, 4 by 2 is 2, 2, तो yes, okay. Yes, sir. Okay, sir. समझ आया क्या हुआ? Yes, sir. तो ये क्या था, when the classes are unequal. अगर unequal है तो पहले उनको equal करेंगे, फिर जाके क्या होगा, आप बना पाएंगे ग्राफ को, ठीक है? अब ऐसे ही ये समझ आ गया ना, 30 टू 60 वाला सेम रहेगा, ओके? यस सर, ठीक है, तो ये 10 6 6 6 ईच हो गए, ये 6 आ गया ना यहाँ पे 6, तो बेटर 1 2 3 और ज्यादा अच्छा लग रहा है। मिड पॉइंट्स, अगर मिड पॉइंट्स गिवन है तो क्या करेंगे, मिड पॉइंट्स को पहले कन्वर्ट किया जाएगा क्लास इंटरवल्स में, तो बेटा वो एग्जैक्टली सेम स्टेप्स होंगे जो हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में सीखे थे। मिड पॉइंट्स है 150, 160, 170, अब मिड पॉइंट में डिफरेंस कितना है, 10, यस सर, 10 डिवाइडेड बाय 2, 5, जो भी आया हाफ ऑफ द डिफरेंस, तो 150 में से माइनस 5, 150 में प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 145 टू 155, 160 में माइनस 5 प्लस 5, माइनस 5 प्लस 5, माइनस 5 प्लस 5, माइनस 5 प्लस 5, कोई भी डाउट? नो सर। पता है ना मिड पॉइंट से कैसे हम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू मिड पॉइंट्स, देन हाफ ऑफ द डिफरेंस इज सब्ट्रैक्टेड एंड एडेड टू ईच मिड वैल्यू, फिर वो क्लास इंटरवल हो जाएगी, फिर वापस आप हिस्टोग्राम पे पहुंच जाएंगे नॉर्मल वाले इक्वल क्लास इंटरवल्स। अगर आपको इंक्लूसिव है तो इफ द क्लास इंटरवल्स आर इक्वल बट द सीरीज इज एन इंक्लूसिव वन, तो क्या होगा, इट शुड बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, तो 1 टू 10, 11 टू 20 दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 का 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5, 0.5 इज डिडक्टेड फ्रॉम द लोअर लिमिट एंड 0.5 इज एडेड टू द अपर लिमिट, तो 0.5 10.5, 10.5 20.5, 20.5 30.5, समझ आया, कोई दिक्कत?
क्लियर? नो सर। ठीक, तो क्या थे ये हिस्टोग्राम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में, और क्या बताना चाहते हैं? हिस्टोग्राम डिस्क्रीट सीरीज, हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन फॉर अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय सपोजिंग दैट द गिवन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर मिड पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट सीरीज में तो बन नहीं सकता, कह रहे अगर बनाना है तो फिर ये आप ये अज्यूम कर लेना कि जो गिवन है ना वो मिड पॉइंट्स है, और फिर उसके बाद उनके आप क्लासेस निकाल दो। कहते ना कि 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे लिखा हुआ है, कह रहे फिर आप ये अज्यूम करो कि ये मिड पॉइंट्स हैं, उनसे आप क्लासेस निकालो, अदरवाइज डिस्क्रीट में नहीं बना सकते, बिना क्लास इंटरवल के हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। अगर ओपन एंड क्लासेस हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड क्लासेस, unless it is assumed that the magnitude of the first open class is the same on the second. उनको क्लोज कर देंगे, जैसे हम वो करते थे ना कि ओपन एंड को हम क्लोज करते थे, ओपन एंड सीरीज ऐसे है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, above 50 ओपन एंडेड है, कह रहे फिर इसको भी आप अज्यूम करो कि ये 50 to 60 है, तब आप बना सकते हो, अदरवाइज ओपन एंडेड सीरीज का आप हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। अब एक था 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 or less than 50, तो कह रहे फिर आप उसको अज्यूम करो कि ये 40 to 50 है, सेम क्लास करोगे तो ही आप उसका ग्राफ बना पाओगे। बात समझ आई? क्लियर? ओके, कंपैरिजन बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार डायग्राम, हिस्टोग्राम एंड बार डायग्राम। बार डायग्राम होता था डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में, ग्राफिक प्रेजेंटेशन में हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज टू डायमेंशनल, बार डायग्राम इज वन डायमेंशनल। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हाइट से मतलब होता था, विड्थ कह रहे जो आपको ठीक लगे वो रख लो, तो विड्थ नहीं, वन डायमेंशनल था वो। यहाँ पे दोनों ही मेजर की जाती है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इन हिस्टोग्राम्स द बार्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, गैप नहीं होता वहां पे, दे आर प्रिपेयर्ड एट प्रॉपर स्पेसिंग। इन द हिस्टोग्राम क्लास फ्रीक्वेंसीज आर शोन बाय द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। तो ये क्या है क्लास फ्रीक्वेंसी? हाइट बताती है, तो रेक्टेंगल। इन बार डायग्राम्स दे आर शोन बाय द हाइट ऑफ द बार्स, सिर्फ हाइट से मतलब है, रेक्टेंगल से नहीं पूरा। हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन only for continuous variables, bar diagram can be drawn for both discrete or continuous variables. Important hai difference between histogram and bar diagram.